अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अजानें हो रही हैं, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी बज रहा है 1 और मैं अभी उठी हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं आ चुकी हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। और उसको मैंने घर बताया हुआ है, लोकेशन भेजी हुई है, अब पहुँचने वाली है, वो गली पे ही है। पूरा आ रही है और जोहा ने तो कहा है मैं लेट आऊँगी। जोहा बहुत लेट होती है वैसे भी, वो आई थिंक 4 बजे आएगी, बट वो माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी आ गई 1 बजे। और मैं उठी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ना मैंने रूम ठीक किया, ना मैं ना ही हूँ अभी तक, और ये आ गई है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये वाला मैंने एक शर्ट पहनी है जो मेरी बहन की रखी हुई थी और मैंने ये कबर्ड में देखी तो मैंने ये निकाल के पहन ली। अब वो मुझे देखेगी ब्लॉग तो मुझे मैसेज करके ज़रूर कहेगी। और पीछे आप देख सकते हैं एक अदद लड़की बैठी हुई है जो कि है हूर। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी एक दोस्त आ गई है और अभी दो जो हैं वो आना बाकी हैं। हाँ, वो दोनों का भी कोई ज़्यादा पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कब पहुँचेंगी। वाह, हाँ यही तो है, बहुत नीचती है, बहुत ज़्यादा। अभी तक घर से भी नहीं निकली और एक तो आने वाली भी नहीं, अपना पैर टाइम पे आई, ये हमेशा ऑन टाइम होती है, और एक तो अपना पैर तुड़वा के बैठी हुई है। आई एम पंचुअल लेडी, तो मुझे नहीं लगता वो आ सकेगी। और जोहा को तो आप सब जानते ही हैं, वो लेट ही आती है, वो अभी अब तक अपने घर पे ही है ना। और हम यहाँ खाना ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कर लें कुछ जोहा के आने से पहले, पर मुझे पता है वो आके सब स्टूडियो 70s का मेन्यू चेक कर रहे हैं। आई होप अच्छा कुछ मिल जाए हमें। वैसे मुझे तो KFC खाना है क्या कहती हैं आप? ढूंढते हैं हम KFC भी, हमारा पार्टनर तो आ जाए, हमारे पार्टनर ही मिसिंग है सारे। हाँ यही तो यार मैं कहती हूँ, अक्सर हम वरना इतना कुछ कहते हैं मिलेंगे मिलेंगे, मिलते हैं तो ये सब चीज़ हो जाती हैं, एक का ये मसला है, एक का ये मसला है। मुश्किल से जबकि हम लोग को टाइम मिला है, ऐसी है। ये भी शादी के पूरे 1 साल बाद हमसे मिली है, शादी के बाद गायब 1 साल पहले, पूरे 1 साल हो गया ना। हाँ जी, जनवरी में हमारी एनिवर्सरी हो गई है। हाँ, और आज मिली है। खैर देखते हैं क्या होता है, फिर बताते हैं। अभी हम एक बहुत मज़ेदार सी वीडियो शूट कर रहे हैं और कुछ टिकटॉक्स भी शूट करेंगे, और यहाँ साउंड्स निकल रहे हैं भाई, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करो। और यहाँ पे इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है, हमने यहाँ से कर्टन हटा दिए हैं। और ये शायद एक रील भी बनाई है जो इंस्टा पे आपको दिखेगी, और साथ साथ ये मंचिंग हो रही है चिप्स की, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है और जोहा आनी थी। दिखाओ क्या कर रही हो, साउंड ढूंढ रहे हैं हम तो, अभी कोई मिल जाए हमें। हाँ इनकी देख लो, इसके पास उसका साउंड का नाम याद नहीं आ रहा ना हमें, जोहा नहीं आ रही, इससे टाइम पास में ये काम हो रहा है। और अच्छी बनी है अभी तक जो बनी है, क्या होता है देखते हैं। चिप्स भी खा लिए मैंने इसके इंतजार में। अब अपना डाइट प्लान बताओ जो आजकल आप फॉलो कर रही हो, जो आज हमको आप बता रही हो कि आज मैंने ये खाया वो खाया। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, जरा हमें भी इस चीज से आप आगाह करें। जो है भाई, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करना सबसे जरूरी है। अच्छा हमको सिखा रिया है, बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हमने बुलवाई है, क्योंकि आप जब टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सारे काम करेंगे, तो फिर जो है वो हर चीज अच्छे से होगी। लेकिन अगर आप नीचती हैं, जैसे कि मेरी दोस्त है सारी है, गजब बेइज्जती है, जो एक एक दो दो बजे उठती है, तो इससे फिर आप नहीं कर सकते, आपको अपनी जान। अरे अभी अभी ये एग्जैजरेट कर रही है वैसे, बट पहले मतलब ये नहीं कहूंगी कि स्टार्ट से ये भी, ये तो हमेशा से जल्दी उठती थी, इसका लाइफ स्टाइल ऐसा था ना, लाइफ स्टाइल सही रखा हुआ। तो खैर डाइट प्लान कुछ भी नहीं जो है वो के ही हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले अपने 3 मील को जो है वो आपने 5 मील कर देना है। आपने थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है वो अपने मील को सेट करना है। 3 टाइम जहाँ हम खाते हैं ना, वहाँ हम 5 टाइम खाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि अगर 5 मील मैंने बोल दिया तो आप ढेर सारा इनटेक करना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा। जैसे आप सुबह उठें, ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट तकरीबन आप 9:30 बजे तक करें, उसके बाद फिर आप 12 बजे जो है वो सैलेड खा लें, फिर 2-3 बजे तक अपना खाना ख़त्म करें, फिर शाम में जो है वो थोड़ी सा कोई स्नैक बिस्किट ले लिए, या कोई डाइट और निम्को वगैरह कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले सकते हैं। हाँ, डाइट बिस्किट भी ले सकता है, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। उसके बाद जी आपने जो है वो रात का खाना खा लें, रात का खाना तकरीबन 9 बजे तक खा लें, और वॉक मस्ट है। खाना खा के आपने ये नहीं कि बस बिल्कुल बिस्तर पर जाके लेट गए, नहीं, आपने खाने के बाद थोड़ी सी घर में ही आप चहलकदमी कर लें। हम थोड़ा काम वगैरह भी कर लेते हैं, उसमें भी वॉक हो जाती है, खाना समेटने में। और जो मेल होते हैं वो जाहिर सी बात है खाना खाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी, ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, हम तो खाना समेटते हैं, किचन समेटते हैं, हमारे बहुत लंबे काम यार, घरेलू लड़कियाँ समझ रहे हो, हमने फिर बहुत देर बाद जाना होता है लेटने के लिए। हाँ। तो इसलिए ये सारा फॉलो करें, और चावल आलू, ये चावल कमजोरी है मेरी फिलहाल, निकालने पड़ेंगे एटलीस्ट
बट मुझे लगता है अगर आप संडे को डाइट चीट डे कर लो डाइट में डाइटिंग में तो कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं हो ना कि आप बैठ के चीज खा रहे हैं, आप फ्राइज भर भर के खा रहे हैं, आप बिरयानी की 6-7 प्लेटें खा रहे हैं, जरा तो गेम बजाना ये थोड़ा बहुत कर लें चलते फिरते, आपने थोड़ा सा चख लिया। लेकिन अगर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी है तो मेरे ख्याल से 2 मंथ्स तक आप स्ट्रिक्ट डाइट को रखें और उसके बाद हर चीज खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी। हाँ यही तो हमारा है। और वाटर इनटेक सबसे ज्यादा हाँ ये बहुत बेस्ट है, उससे आपकी स्किन भी बहुत क्लियर रहेगी क्योंकि डाइटिंग में अक्सर स्किन का प्रॉब्लम होता है कि ग्लो चला जाता है फेस से। तो आज गाइस आज आप दो ऐसी उनसे मिले जिनको तक कुछ पता नहीं था और अचानक से अपनी बस हर जगह से इन्फो जमा करके हम आपको शेयर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई करें, बट ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत महंगी महंगी चीजों से डाइटिंग कर सकते हैं कि आप ये खरीदो वो खरीदो। आप घर की चीजों से रोज जो हम खाते हैं उससे डाइटिंग कर सकते हो। आप चावल हटा दो अपनी जिंदगी से, चावल मीठा हटा दो, मीठा हटा दो टू मंथ्स आप स्ट्रिक्ट डाइट करें उसके बाद जो है वो आप, हाँ आपकी कॉल आ रही है, कॉल आ गई है, हम चलते हैं। 2000 years later. अभी आ गई है, देखते हैं। ये क्या बन गया है, ऐसा लग रहा है हमें लूटना है ये। और भूत को देखो कब से आके बैठी है, मौत के आओ आओ। अभी हम जा रहे हैं नूडल्स बनाने और चैलेंज है, इसकी वीडियो अलग आएगी तो वो भी आप देख लेंगे। मेरी अम्मा सो रही है आज। जस्ट अभी अभी हमने रेमन चैलेंज किया है, उसकी वीडियो अलग बनाई है और हम सबकी हालत बहुत खराब हुई है। चल ले रिकॉर्ड है ब्लॉग है और हम सबकी हालत इतनी खराब हो रही है और ये मस्त बैठी है पता नहीं कैसे, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मेरी हालत खराब हो रही है, हम सब मस्त बैठे हैं, सबसे चैलेंज कर सकते हैं। और बहुत मजे के थे ये, हमने पूरे भी कर लिया और इसका चैलेंज आपको दिख जाएगा अलग वीडियो में। और ये हमने खाना ऑर्डर किया है तो अरे ये साइकिल वाले कौन है, खाना वाला तो ये है बंदा। और अब ये जवेरिया चढ़ गई खाना लेके, ये जवेरिया आ रही चढ़ती हुई, इसके काले काले पाँव पिंडी गर्ल। चलो चलो ये जवेरिया जा रही है, अरे बहुत भूख लग रही है, तड़प तड़प के मारे खाना है, तड़पा तड़पा के। एक्साइटमेंट चेक करो उसकी, मेरे को अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आई होप अच्छा हो यार। ओह नाइस, इतने बड़े बड़े देखा, मान नहीं रही थी, कह रही थी मुझे नहीं छोटे केएफसी कैसी बड़ी बड़ी थी। वाओ, केएफसी के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता ना, पर ये भी अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये कैसे बोल रही है, वेरी नाइस कैसे बोलते हैं, कौन से लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे को क्या पता। नहीं प्यारी समझ गई, नहीं तुमको पता है फ्राइज भी कितनी बराबरी से डाल दी इसका, वो देखें क्या कहते हैं, तकसीम लाना मेरा, हाँ। प्लेट लाना, ये लो मेरे पास दो, मैं डाइटिंग पे हूं। ये बर्गर खा सकती है। और पता है जोहा, इसे मेरे ब्लॉग में डाइट प्लान बताया अपना, बड़ी आई है, ये लो। थैंक यू, नहीं यार जब सोच लिया ना तो फिर करना है इंशाल्लाह, मेरे को भी बोला कैसे हंस रही है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। ये बनाया है एमन ने डेजर्ट, क्या नाम है ये, नहीं वो क्या क्या स्पेशल, नहीं नो बेक ना, नो बेक केक जो बिस्किट से होता है, कोल्ड केक भी कहते हैं। हाँ उसको उठाया आया तो आना, तो अब हम ये खाएंगे, ये अब ये पूरा खाएगी, दिमाग खा गई है कब से, मीठा मीठा, घर जाना है घर जाना है, ये घर जाना है ना इसको, ये खाएगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब पीसेस निकालो भाई,
तो निकाल लियो, मैंने बनाया है वही देंगे। हाँ क्यों, ये नहीं खाली? हाँ ये क्या बात है, मैं बनाऊंगी तो मैं तुमको खिलाऊंगी। मेरे साथ ही मसला है, मैं बनाती हूँ, मैंने खाती ये वाइट मीठा ऐसा है जो ये बनाती हूँ तो मुझे मैं शौक से खाती हूँ। अपना बनाया हुआ नहीं अच्छा लगता यार, पता नहीं क्यों देखो। मैंने तो रखे फुल शॉक में, गमले जो है ना ऊपर छत पे पड़े हुए थे, सही बस खाद ला के डाल दी उसमें। और जो है ना पहले अम्मा क्या करा था ये सब, तो हम मतलब मुर्गियों ने क्या करा, खोद खोद के पहले वहाँ ही सब बच्चे और फिर करा भी था, रखा था एक दो पौधे शौक से नीचे। ये लीजिए, थैंक यू। उन लोगों ने पापो का केक खाया है। किसका? पापो कौन है ये? पापो केक रस, पापो का रस का केक, यूं बोलो ना। नहीं कैसा है, मतलब खाते हुए तुमने वीडियो बना रही है, कैसा है रिव्यू दो मेरी भाभी को। बहुत होता है, बहुत मजेदार होता है। थैंक यू, आउटस्टैंडिंग। ये इसका बहुत मजे का बनता है, बोलो मुझे खाने दो। वो नहीं रुकेंगे, मुझे पता ना वो गुस्सा कर, थोड़ा छोड़ के चल जाओ। ट्रांसपेरेंट बाउल है, मुझे उसमें डालो। पहले पूछो तो आए हैं कि नहीं, मुझे पता है ना वो, चेक करो। रुको, मुझे अभी वैसे भी नहीं खाया जा रहा, बर्गर बहुत हैवी हो गया। हेलो, मजेदार मजेदार। हेलो, हाँ जी आ गए। A few moments later. So, अब जा रही है ये तैयार होके, और ये देखो उसका हाल। अच्छा तो व्लॉग को एंड तो कर दो इधर। गाय बाइस गाय। और वीडियो को डर गई। वीडियो को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस औरत की चैनल को रिपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।